ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। क्वेश्चन नंबर 19, देखो पढ़ो इसको। एक पतंग आकाश में उड़ रही है, एक पतंग आकाश में उड़ रही है, मैदान पर एक बिंदु से पतंग तक धागे की लंबाई कितनी है? 420 मीटर है। मैदान में धागे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लीजिए कि धागे में कोई ढीलापन नहीं है, आगे क्या कह रहे हैं, तो पतंग की ऊंचाई क्या होगी? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो, करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन को एक एक पॉइंट को पढ़ो। एक पतंग आकाश में उड़ रही है, पतंग आकाश में यही उड़ेगी, मैदान पर एक बिंदु से पतंग तक धागे की लंबाई कितनी है, यानी पतंग तक इस धागे की लंबाई यहां से कितनी है, 420 मीटर है। क्लियर है ना, ये पतंग उड़ रही थी पहले, ए पॉइंट इसको और बी पॉइंट इसको, ये बिंदु है आपका ये वाला। आगे क्या कह रहा है, मैदान में धागे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मैदान में धागे का उन्नयन कोण यानी यहां से कितना है, धागे का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। आगे क्या कह रहे हैं, मान लीजिए कि धागे में कोई ढीलापन नहीं है, तो पतंग की हाइट ज्ञात करो। तो ये पतंग की आपको क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये क्या होगी इसमें, h। समझ में आ गई मेरी बात, नहीं आई बताओ। आगे क्या करेंगे, 30 डिग्री के सामने क्या होता है, 1, 60 डिग्री के सामने क्या होगा, √3। क्लियर। अब आप बताओ यहां पर क्या होगा, 2 होगा। तो देखो 2 की वैल्यू क्या है, बताओ 2 की वैल्यू क्या है, 420। 1 की वैल्यू क्या है बताओ, 210 मीटर। हमसे पूछा क्या है बताओ, 1 की वैल्यू ही तो पूछिए ना, बात आगे की नहीं आगे समझ में। तो पतंग की हाइट कितनी होगी, 210 मीटर होगी। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20, पढ़ो इस क्वेश्चन को। एक गुब्बारा एक समान गति से बिंदु पी से छोड़ा जाता है, 6 मिनट बाद पी से 450√3 मीटर दूरी पर एक समीक्षक है। समीक्षक बोलते हैं प्रेक्षक को, ऑब्जर्वर को, यानी व्यक्ति को जो देखता है कि गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए कि समीक्षा बिंदु जहां पर व्यक्ति खड़ा है वो बिंदु, तथा बिंदु P एक ही स्तर पर है, एक ही लेवल पर है, गुब्बारे की गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी। क्लियर है ना क्वेश्चन, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखो इसको। एक गुब्बारा, ये गुब्बारा है, यहां से इस P पॉइंट से इसको छोड़ दिया। गुब्बारा ये थोड़ी है कि आगे जाके फिर ऊपर उठेगा, गुब्बारा को जहां से छोड़ेंगे वो यहीं से ऊपर उड़ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि ना, ये बताओ, ये अब गुब्बारा हो गया, यानी इस Q पॉइंट पर क्या हो गया, गुब्बारा, 6 मिनट बाद P से, तो 6 मिनट बाद यानी यहां से P से 450√3 दूरी पर, 450√3 मीटर दूरी पर एक समीक्षक व्यक्ति है जो देखता है कि गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो यहीं से देखेगा, कहां से देखेगा, यहां से, ये 60 डिग्री कोण होगा इसका। इतनी बात समझ में आ गई, ये कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। क्लियर है ना यहां तक, ये बताओ कोई दिक्कत है यहां तक। अब आगे क्या कह रहे हैं, मान लीजिए कि समीक्षा बिंदु तथा बिंदु पी, इसको क्या बोल सकते हैं, समीक्षक बिंदु एक ही बात है, ये एक ही तल पर है, यानी एक ही लेवल पर है, एक ही स्तर पर है, तो गुब्बारे की गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी। यहां से यहां तक जब गया था ये, तो क्या है इसके भी दूरी है एक तरीके से, है ना। आप मुझे ये बताओ सबसे पहले कि ये क्या कह रहा है, गुब्बारे की गति मीटर पर सेकंड में क्या है, गुब्बारे की गति मीटर पर सेकंड में क्या है। देखो एक समान गति से बिंदु पी से छोड़ा जाता है, 6 मिनट बाद पी से 450√3 मीटर दूरी पर एक समीक्षक है जो देखता है कि गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया। तो मान लीजिए कि समीक्षा बिंदु तथा बिंदु पी से एक स्तर पर है, गुब्बारे की गति क्या होगी।
गुब्बारे की गति देखो आप, ये मेरी बात आप ध्यान से सुनो, यहां से यहां तक गया था तो गुब्बारे की गति तो पूछ रहा है आपसे वो। गुब्बारे की गति का मतलब क्या है, यहां से यहां तक गुब्बारा किस गति से गया, भाई यहां से यहां तक ही जाएगा। अब आप देखो ध्यान से, ये दूरी 450√3 है, तो ये 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3 होता है, और 30 डिग्री के सामने क्या होता है, एक होता है, एक। तो एक की वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 450√3, यानी इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो √3 को √3 से करेंगे कितना आएगा, 3, 3 को 450 से गुणा करेंगे कितना जाएगा बताओ, 4 × 3 = 1200, 1350 जाएगा क्या, मीटर दूरी ये आ जाएगी आपकी दूरी। तो ये दूरी यहां से यहां तक कितनी आ गई, 1350 मीटर आ गई ना दूरी। तो आगे देखो क्या पूछा है, गति, गति बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, लेकिन मीटर पर सेकंड में चाहिए, और समय हमको क्या दे रखा है, 6 मिनट। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 6 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 गुणा में तो कितने जाएंगे, 360 सेकंड। तो अब ये दूरी किस में है, मीटर में है, तो देखना दूरी कितने में, किस में है, मीटर में। कितनी है दूरी, 1350, समय क्या है, 360 सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में जाएगा ये आंसर, काट दो इसको, 3 से काट दो, 3 × 12 = 1, 3 × 5 = 15, 12 × 3 = 36, 45 में 12 का भाग दो, 12 × 3 = 36, और कितना जाएगा, 4 × 5 = 9, 12 × 7 = 84, यही आएगा ना, 6 × 12 = 60, तो 3.75 मीटर पर सेकंड इसकी क्या जाएगी, एक गुब्बारे की गति आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21, करते हैं इसका हम सॉल्यूशन, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। एक सीढ़ी है, दीवार के साथ कितना कोण बना रही है, दीवार के सारे सारी इस प्रकार से खड़ी है कि वह दीवार की चोटी तक पहुंचती है। सीढ़ी का आधार दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी के पाद से दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण 15 डिग्री है। 15 डिग्री है, सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। देखो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन, कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। ये क्या है, एक दीवार है आपकी, क्या है, ये दीवार है। इस दीवार से सीढ़ी ऐसे जाएगी और ये इधर से ऐसे, यहां से कितनी दूरी पर है, ये 5 मीटर की दूरी पर है। क्लियर है ना, ये पॉइंट ए और ये बी, ये क्या है, एक सीढ़ी है। सीढ़ी ऐसे ही होती है, ऐसे एक सीढ़ी है। ये यहां से कितना कोण बना रही है, 15 डिग्री का बना रही है ना, 15 डिग्री का। ये क्या है, एक पॉइंट नंबर क्या है, सी है ना, यहां से क्या है, ये दीवार से जा रहा है, ये पॉइंट दीवार से, ये पूरी दीवार है। एक सीढ़ी दीवार के सारे इस प्रकार खड़ी है कि वे दीवार की चोटी तक पहुंचती है, यानी यहां पूरी यहां तक पहुंचती है, इधर तक। सीढ़ी का आधार दीवार से, सीढ़ी का आधार तो ये है, और दीवार से कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी के पाद से दीवार के शीर्ष, सीढ़ी के पाद से दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण 15 डिग्री है। यहां से उन्नयन कोण, सीढ़ी की लंबाई आपको बतानी है, ये एल आपको ज्ञात करनी है, ध्यान से सुनना। अब क्या करेंगे, हमें ये बताओ पता क्या क्या है, हमको ये बताओ, हम इसमें क्या लगा सकते हैं, आप ये बताओ, साइन लगाएंगे, कोस लगाएंगे, टेन लगाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें हम साइन लगाएंगे, कोस लगाएंगे, टेन लगाएंगे। देखो अगर मैं बात करूं ना साइन की, तो साइन क्या होता है बताओ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा, जिसमें लंब तो हमें पता नहीं है ना, और हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो इन दोनों में से हमें एक मान आपको पता होना चाहिए, इसमें से और इसमें से एक मान पता होना चाहिए, जो हमें ज्ञात करना है वो, और साथ में एक मान पता और होना चाहिए आपको। अगर हमें ये कर्ण पता, लंब पता होता तो हम साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण लगा देते, इसलिए इसमें ये फॉर्मूला कभी भी नहीं लगेगा। पता लग गया ना, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि
क्योंकि हमें लंब नहीं पता और हमें कर्ण ज्ञात करना है। क्लियर। अब देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। आपको लंब पता है कि बताओ, नहीं पता ना, और आधार पता है आपको, लेकिन हमें एक चीज वो ज्ञात करनी होती है जो हमें मतलब हमें एक चीज वो लिखनी होती है जो हमें ज्ञात करनी है, चाहे एक पता हो। अब इसमें ये क्या आ गया, लंब आ गया, लंब हमें ज्ञात नहीं करना, आधार हमें पता है, तो वो भी हमें नहीं चाहिए होता, क्योंकि हम फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं ये मैं आपको सिखा रहा हूं। तो देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आपको आधार क्या है पता है और कर्ण हमें, तो ये फॉर्मूला इसमें 100% लग जाएगा। समझ में आ गया ना क्यों लगेगा फॉर्मूला। कोस थीटा, थीटा का मान कितना है 15 डिग्री, आधार कितना है 5 और कर्ण क्या है L। कोस 15 का मान क्या होता है, बटा में क्या है 2 रूट, बराबर में क्या है 5 बटा में L। L को इससे गुणा करें, L इधर आ जाएगा है ना, और √3+ इसके नीचे आ जाएगा, आ जाएगा ना, मतलब ये वाला इधर जा सकता है ऊपर, ये वाला नीचे आ सकता है, बस ये चेंज कर दिया। और बटा में जो था ना ये इधर आके क्या जाएगा 2√2 आ जाएगा। अब इसको गुणा कर सकते हैं हम, परिमेयकरण कर सकते हैं, √3 - 1, नीचे भी क्या है √3 - 1, तो नीचे क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 और 2 इस 2 से कट जाएगा, 5√2 को इस √3 से करेंगे क्या जाएगा 5√6, 5√2 को इसे 1 से करेंगे क्या जाएगा 5√2। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, इसकी सीढ़ी की लंबाई आ जाएगी और ये किस में आ जाएगी बताओ, मीटर में। क्लियर है ना, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, देखो एक घर की चोटी है, एक घर की चोटी पर एक खंभा खड़ा हुआ है, ठीक है, एक घर की चोटी पर क्या खड़ा हुआ है, खंभा खड़ा हुआ है, घर की ऊंचाई 25 मीटर है, बिंदु P से घर की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तथा P से खंभे की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कितना डिग्री है 60 डिग्री है, बिंदु P से भूमि की सतह पर है, बिंदु P भूमि की सतह पर है, खंभे की ऊंचाई क्या होगी, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ध्यान से देखो, एक घर की चोटी है ये, घर की चोटी क्या है ये, क्लियर, ये घर की चोटी है, ये घर की क्या है चोटी, ये घर है मान लो, और इसकी चोटी पर क्या खड़ा हुआ है, खंभा खड़ा हुआ है, ये खंभा है, ठीक है,
ठीक है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये क्या है, सी पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये क्या है बताओ, घर है। और घर की चोटी पर एक खंभा खड़ा हुआ है, घर की ऊंचाई 25 मीटर है, घर की ऊंचाई कितनी है 25 मीटर है, ये रही घर की ऊंचाई कितनी है 25 मीटर। आगे क्या कह रहा है, बिंदु पी पर, पी से घर की चोटी का उन्नयन कोण कितना है, बिंदु पी से घर की चोटी का उन्नयन कोण, घर की चोटी का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। बिंदु पी से घर की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है रहा, ये रहा यहां से 45 डिग्री है। आगे तथा पी से खंबे की चोटी का, पी से खंबे की चोटी का उन्नयन कोण कितना है, ये कितना है 60 डिग्री है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई आपको, ये बिंदु क्या है बताओ, ये बिंदु पी है, क्या है बिंदु पी। अब क्या कह रहा है आगे, बिंदु पी भूमि की सतह पर है, बिल्कुल भूमि की सतह पर है, खंबे की ऊंचाई पूछी आपसे, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बताओ आप, ये पूरी दूरी निकाल लेंगे ना, और ये कितनी बताओ यहां से यहां तक कितनी है, 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री के सामने क्या है, क्या होगा रूट तीन होगा, और ये 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री के सामने क्या है बताओ, एक होगा। इतनी बात समझ में आ गई, जब आप बताओ रूट तीन हमको नहीं पता कितनी वैल्यू है इसकी, नहीं पता ना, रूट तीन की वैल्यू पता है क्या आपको, नहीं पता ना, देखो इसकी वैल्यू आ गई एक और इसकी वैल्यू आ गई रूट तीन। अगर मैं ये निकालूं यहां से, यहां से ये निकालूं मान लो ये वाली दूरी, तो ये कैसे निकालूंगा, अब ध्यान से देखना, इससे तो आ नहीं रहा है, इस वाले 30 डिग्री से तो आ नहीं रहा है आंसर, है ना। पहले मैं क्या करूं, पहले मैं देखना ये 45 है ना, ये वाला इस त्रिभुज को ले रहा हूं, पहले इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को ले रहा हूं, तो ये 45 है तो ये भी क्या होगा, तो इसके सामने क्या है, 45 के सामने एक होता है और इसके सामने एक होता है, तो एक की वैल्यू क्या है 25, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, तो 25 मीटर आ गई ये दूरी। नहीं बैठी बात समझ में, अब ध्यान से सुनना आप देखना आगे, अब ये वाला त्रिभुज ले लो आप, ये वाला त्रिभुज जो हमने पहले लिया था, इस 60 के सामने क्या होता है रूट तीन होता है, ये ले लिया रूट तीन, और 30 के सामने क्या होगा, एक की वैल्यू 25 है, तो रूट तीन की वैल्यू क्या जाएगी 25 रूट तीन मीटर। पूरी कितनी है बताओ, ये पूरी कितनी है, पूरी कितनी है 25 रूट तीन है ना, जिसमें से ये कितनी थी, ये वाली केवल 25 थी, बस माइनस 25 कर दो, क्या कॉमन आ जाएगा 25 और क्या जाएगा रूट तीन माइनस का एक मीटर, ये किसकी आ जाएगी बताओ, खंबे की आ जाएगी, खंबे की हाइट क्या जाएगी, खंबे की हाइट क्या जाएगी, खंबे की ऊंचाई ये आ गई, क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, देखो एक सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री तक बदल जाता है, तथा खंबे की छाया की लंबाई, खंबे की छाया की लंबाई 20 मीटर कम हो जाती है, खंबे की छाया की लंबाई 20 मीटर कम हो जाती है, तो खंबे की लंबाई ज्ञात करो। ध्यान से सुनना, ये मैंने मान लिया एक खंबा है, क्या है मैंने मान लिया ये क्या है, एक खंबा है, क्या है कि पोल है, यानी एक खंबा है। अब खंबे को क्या मान सकते हैं, ए और बी मान सकते हैं। सूर्य जब कहां होगा, यहां पर होगा, तो आप देखना सूर्य जब यहां पर होगा ना, तो इस खंबे की लंबाई कितनी होगी, ये होगी, और इस सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा है बताओ, इस सूर्य को देख रहे तो उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, यानी इसको देख रहे हैं अपन। जब ये सूर्य यहां पर आएगा, यानी इस सूर्य की सन वन की स्थिति सन टू में जब कन्वर्ट होगी, यहां से इधर होगी, तो ये सूर्य यहां पर होगा ना, होगा कि नहीं होगा बताओ, तो इसका कितना हो जाएगा ये 45 डिग्री। तो ये बताओ आप कि इसकी छाया, खंबे की छाया पूरी पहले कहां थी, पहले यहां पर थी ना ये, है ना, अरे कहां पर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी,
यानी 20 मीटर कम हो जाएगी खंभे की छाया। आप देखो जब सूर्य इधर आएगा तो एंगल कम होएगा, है ना, तो इसकी छाया क्या हो जाएगी, 20 मीटर कम हो जाएगी। तो आपने ये तो सुना है ना, क्या होता है एच बराबर क्या होता है डी बटा में क्या होता है, कोट अल्फा माइनस कोट बीटा होता है। आगे देखो एच बराबर डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर कम हो रही है, कोट अल्फा कितना है, कोट अल्फा मान सकते हैं आप कोट 30, और कोट बीटा क्या है, कोट 45। ठीक है, एच बराबर 20 बटा में कोट 30 का मान √3, कोट 45 का मान 1, गुणा कर दो √3 + 1 से। जब ऐसा हम करेंगे तो आप डायरेक्ट क्या करना, जब इधर एक हो जब इधर रूट के अंदर हो, 3 में से 1 घटा दो, 2 पूरा कर, मतलब 2 आ जाएगा इसका पूरे का सॉल्यूशन, 2 को इससे काटेंगे कितना जाएगा 10 जाएगा, तो ये आ जाएगा राइट आंसर। इसकी हाइट क्या जाएगी खंबे की, 10√3 + 1 ब्रैकेट के अंदर है तो इसकी हाइट आ जाएगी ये, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 भी आप नोट कर सकते हैं, आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।